मॉर्निंग डियर्स, बात करते हैं आज गोल्ड की पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज के हवाले से बात कर लेते हैं। आजकल सुबह में थोड़ी लेट हो रही है वीडियो अपलोड करने में, क्योंकि पिछले वीक से तकरीबन जो है वो तबीयत थोड़ी ख़राब है। मौसम चेंज की वजह से जो है वो नज़ला फीवर और हो रहा है, तो इसकी वजह से सुबह उठने में थोड़ा लेट हो जाता है मेडिसिन वगैरह की वजह से। बहरहाल बात करते हैं आज हमारे कल की जो एनालाइज थी उसमें ये था, जब हमने एनालाइज की तो 43 45 के आसपास मार्केट की मूवमेंट थी। मैंने ये कहा था कि 49 फिलहाल टेस्टेड है, ब्रेक नहीं हुआ है, तो ज़्यादा चांस है कि इस एरिया से जो है वो रिजेक्ट हो। अगर तो ये इसे ब्रेक कर देता है तो 55 तक जा सकता है, 51 से 55, और वहाँ से फिर दोबारा वहाँ से भी रिजेक्ट होगा और 40 तक आने के चांस हैं, और उसके बाद फिर जो मूवमेंट बनेगी वो यही है कि अगर तो ये 40 के नीचे क्लोज ना करे तो ये एकदम बुलिश हो सकता है। अगर नीचे क्लोज करता है तो मार्केट यहीं स्टे करने लग जाएगी। तो फिलहाल यहाँ मार्केट स्टे कर रही है 40 के नीचे, जो है वो क्लोज भी लगे हैं। अब हम देख लेते हैं कि आज क्या जो है वो इम्पोर्टेंट लेवल्स होंगे और हमें किस तरह जो है मार्केट को देखना चाहिए। बात कर लेते हैं आज के लेवल्स की। आज का जो इम्पोर्टेंट एरिया है वो 1937 है। अगर तो ये 1937 के नीचे फुल क्लोज कर देता है तो फिर काफ़ी चांस हो जाएंगे कि 1930 तक जो है वो नीचे चला जाए, और अगर ये 1930 को स्टे करता है तो ये ऊपर भी जा सकता है। इट मीन्स कि अगर ये यहाँ पर ब्रेक करता है, इसको यहाँ कोई क्लोज लगता है तो ये दोबारा पॉसिबल है कि ये रिटेस्ट करे। 39 को ही देखिएगा, अगर ये ब्रेक कर भी देता है तो हो सकता है कि 41 42 तक जाए, और यहाँ से फिर जो है वो ज़्यादा चांस होंगे कि ये इस तरह की मूव हो 37 के नीचे अगर H4 क्लोज होता है तो। और अगर ये ऊपर निकल के 39 से जो है वो ऊपर अगर क्लोज कर देता है तो फिर ये दोबारा सेम बुलिश पोजीशन बना सकता है, और हो सकता है कि अगर इस तरह से ये अगर मूव करता है, 37 ब्रेक नहीं होता, शेडो ब्रेक भी नीचे नहीं होता, तो ये ऊपर वाला एरिया भी जो 49 का है वो भी ब्रेक कर सकता है। तो फिलहाल जो पोजीशन है वो बिल्कुल सेंटर में मार्केट है, यही एरिया जो है वो इसका फैसला करेगा कि इसने ऊपर जाना है या नीचे जाना है। अगर 49 से ऊपर, जैसे 2 किलो चाहिए हमें H4 के, उसके बाद हम 59 तक देख सकते हैं ऊपर, क्योंकि कल भी मैंने ये बताया था कि इस वीक में 51 52 ज़्यादा से ज़्यादा हाई हो सकता है, इससे ज़्यादा शायद ना हो, मैंने कल भी ये बात कही थी। लेकिन फिर भी मार्केट है, अगर ये 49 के ऊपर जो है वो 2 H4 के क्लोज लगाता है तो ये 59 प्लस जा सकता है, क्योंकि आज न्यूज़ काफ़ी हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग न्यूज़ हैं, और आज बड़ी मूव्स के बहुत ज़्यादा चांसेस भी हैं। तो आप मॉनिटर कर लीजिएगा, 30 ब्रेक होता है और 30 के नीचे अगर क्लोज करता है ये, तो फिर 21 तक जो है वो बड़ी आसानी से जा सकता है। ये वाला एरिया 21 22 है और उसके नीचे भी 1930 है, मतलब नीचे के मैं एरिया बता रहा हूँ, और ऊपर के जो है वो मैंने बता दिए 59 से 60 वाला, मतलब 1960 का एरिया है वो। इस सूरत में जब ये 49 से ऊपर स्टे करे, कम से कम 2 H4 के क्लोज दे,
तो फिलहाल ये बीच का जो है वो एरिया है जहाँ पर अभी खड़ा है, यही इसका फैसला करने वाला है कि मार्केट किस तरफ मूव कर सकती है। अगर ये 39 के ऊपर दोबारा ये क्लोज कर देता है, हालांकि नीचे क्लोज तो हैं, लेकिन इस नीचे क्लोज से शायद अगर इसे नीचे जाना होता तो सीधा चला जाता, ये 37 ब्रेक कर देता, लेकिन ये 37 को ब्रेक नहीं कर रहा, फिलहाल स्टे कर रहा है। तो यहाँ पर आप मॉनिटर करिएगा, अगर ये दोबारा 39 से ऊपर निकल के H4 क्लोज कर देता है तो फिर इसके दोबारा चांस होंगे 47 तक, और 47 और 49 तक। इससे ऊपर आप तभी देख सकते हैं जब ये जो है वो ऊपर 2H4 के क्लोज थे। यहाँ अगर ये इसे ब्रेक करके निकल भी गया तो यहाँ ऊपर स्टे ही करेगा। हाँ, न्यूज़ में अगर ये न्यूज़ में आप 15 मिनट तक के, जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि न्यूज़ जब हो तो फिर आप किस तरह मॉनिटर कर सकते हैं मार्केट को, तो वो आप उस तरह से देख सकते हैं उसको, वो कोई मसला नहीं है। लेकिन ये है कि अगर उससे पहले आपको अगर H4 की कन्फर्मेशन मिलती हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर नहीं मिलती तो फिर आप न्यूज़ के दौरान जो है वो लेवल टू लेवल जो है वो 15 मिनट को भी देख सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ न्यूज़ के अंदर 15 मिनट को जो है वो सिर्फ आप न्यूज़ के अंदर जो है ऐसे मतलब कन्फर्मेशन ले सकते हैं। बाकी आपने जो है वो अगर न्यूज़ से पहले कोई H4 किसी लेवल के ब्रेक क्लोज मिल जाता है तो इट मीन्स ये वो बहुत ज़्यादा कन्फर्मेशन, बेहतर कन्फर्मेशन होगी। तो ये हैं आज के इम्पोर्टेंट लेवल, आज वीक का क्लोज भी है और न्यूज़ भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए मैंने प्रॉपर और अच्छे खासे लेवल दे दिए हैं कि किस लेवल्स के ऊपर जो है वो क्या करना चाहिए। 37 से 39 ही इम्पोर्टेंट एरिया है, यही मार्केट को अगेन बुलिश में रखने या फिर इसको नीचे की तरफ मूव करने में जो है वो कन्फर्मेशन देगा। नीचे की तरफ जो है कोशिश करके 30 से नीचे जो है वो सेलिंग में ज़्यादा ना रहें तो बेहतर है फिलहाल, क्योंकि जहाँ तक ये जा चुका है वहाँ तक यही लग रहा है कि नीचे अगर ये आता है 30 के आसपास तो यहाँ से बुलिश होने के भी ज़्यादा चांस होंगे। कन्फर्मेशन के हिसाब से ही देखिएगा, ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ तो बुलिश होगा, हो सकता है कि ये नीचे की तरफ ब्रेक भी हो जाए, लेकिन ये आप इस तरह से देख सकते हैं इसको, अगर ये ब्रेक करता है तो मज़ीद ऊपर और नहीं करता तो यहाँ तक भी आसानी से आ सकता है, और अगर ये ब्रेक करता है तो फिर ये ऊपर की भी जा सकता है। लेवल टू लेवल ही देखिएगा, मतलब यहाँ से अगर बुलिश हो रहा है तो आप इस लेवल तक ही वेट करें और यहाँ पर अपनी नज़र रखें कि अगर ये ब्रेक हो रहा है या ब्रेक हो गया, क्योंकि एक ऑलरेडी ब्रेक जो लेवल होते हैं ना वो यहाँ पर H4 के लिए स्टे नहीं करेगा, ये सीधा सीधा अगर निकलना होगा तो सीधा निकल जाएगा, और इसके नीचे अगर तकरीबन कुछ स्टे कर गया कुछ टाइम, इट मीन्स कि आप ऐसा समझ लें कि अगर ये तकरीबन हाफ आवर 30 मिनट तक अगर इसके नीचे स्टे कर रहा है तो फिर इसके लिए काफ़ी मुश्किल होगा कि ये ऊपर निकले, लेकिन फिर भी मॉनिटर करना चाहिए। सो मेरे हिसाब से जो मुझे नज़र आ रहा है वो मैंने बता दिया, बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है, और दुआओं में याद रखिएगा।